अक्सर ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों की हमेशा से ये शिकायत रहती थी कि ट्रेनों में बने शौचालय से बदबू आती है। वहीं सफ़र के दौरान बदबू से यात्रा करना दुभर हो जाता है। ऐसे में यात्रियों की शिकायत को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने शिकायत और सुझाव मंत्रालय को भेजा, जिसे गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्रालय ने सुझाव पर विचार करते हुए वैक्यूम बैरो टॉयलेट लगाने के लिए खाका तैयार कर दिया है। एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वैक्यूम टॉयलेट्स होते हैं, तो ट्रेनों में भी अब इसी तर्ज पर वैक्यूम बायो टॉयलेट्स लगाए जाएंगे, जिसमें कि जो रिवर्स जो फ्लो ऑफ एयर है वो संभव नहीं होगा। तो वैक्यूम बायो टॉयलेट से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और पूर्वोत्तर रेलवे ने अभी टेम्प्रेरी मेजर के तौर पर कई योजनाएं अपने यहाँ शुरू कर दी हैं, जिसमें एक वेंचुरी हम फ्लूम उसमें लगाएंगे हर टॉयलेट में, जिससे कि फोर्स वेंटिलेशन होता रहेगा, जो डर्टी एयर है, जो स्मेल है, वो बाहर निकलती रहेगी और फ्रेश एयर अंदर आती रहेगी। टोटल होल्डिंग है कोचेज़ की, उसकी 30% जो है हम मार्च 2019 तक कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी भी है, जल्दी हम लोग अगले 2-3 महीने में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे।